फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, देखिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, उसे वो प्रोसेस हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने ये कुटे हुए गेहूँ लिए हैं, मैंने 3-4 घंटे भिगो दिए थे। सबसे पहले हम इनको गलाएँगे। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, मैंने लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और तेज़पात के पत्ते, 2 मैंने हरी मिर्च काट ली है। और देखिए मैंने सारी पंचमेल दाल ली है, चने की दाल है, मसूर की है, सारी तरह उड़द की, हर तरह की पंचमेल दाल है ये। सबसे पहले हम दालों को हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम गेहूँ गलाएंगे। हम एक भगोना ले लेते हैं, हमने भीगे हुए गेहूँ के अंदर डाल देना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गेहूँ डाल दिए, बाकी जितने मैंने मसाले लिए थे ये सब डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है वो भी डाल देंगे। हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फ्रेंड्स लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। देखिए 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल, थोड़ा सा हम इसमें तेल भी डाल देंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा तेल नहीं डालना। देखिए गेहूँ गलने में टाइम लगता है, हम इसको अब ढककर पकाएंगे और बीच बीच में इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। चलिए जब ये गेहूँ गल जाएगा उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोश्त ले लिया है, मैंने इसमें एक उबाल लगाकर इसका पानी फेंक दिया था। मैं गोश्त को उबाल कर लूँगी। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का और प्याज का पेस्ट पीसा हुआ था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। गोश्त पकने रखते हैं, 2 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसलिए कमी रखेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, बाद में इसको बैलेंस कर लेंगे। सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम गोश्त को भूनने रख देते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोश्त रख दिया है बनने के लिए, 3-4 सीटी लगाएंगे गोश्त गलने तक। अब ये देखिए हलीम मेरा, चलिए मैं आपको हलीम दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से अच्छे से पक रहा है, ये देखिए। बस ये 1/2 घंटा इसको हो चुका है पकते हुए, 10-15 मिनट हम और पका लेंगे इसको। ये फ्रेंड्स, ये 5 तरह की दालों में थोड़े से हम चावल भी मिलाएंगे। अब इनको अच्छे से धोकर हम हलीम में डालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इनको धो लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने, देखिए हलीम गेहूँ उसे हमारे अच्छे से, देखिए गेहूँ गल चुके अच्छे से। अब इसमें जो हमने ये दाल ली थी, जो हमने ये दाल ली है और चावल सब चीज़ ली है, सब इसको इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ये सब गल जाएगा। इसको पका लेंगे। तो देखिए 10 मिनट हम इसके साथ भी इसको पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त अच्छे से भुन चुका है और गल भी चुका है, गेहूँ अच्छे से हो चुके हैं। ये देखिए गेहूँ दाल वगैरह सब अच्छी हो गई है। अब हम इसमें अपना गोश्त डाल देंगे, जो हमने गोश्त बनाया था अलग से, वो इसमें मिला देते हैं। बस इसमें मिला दिया हमने अच्छे से, हलीम बनकर तैयार है। ये देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टी हलीम बना है हमारा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ढीला हम इसको रखते हैं, ये टाइट हो जाएगा अपने आप। अब इसमें हम भंगार लगाते हैं। चलिए प्याज का, मैं प्याज काट लेती हूँ, उसको उतार कर रख देती हूँ। मैंने भंगार के लिए फ्राई पैन ले लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे बारीक चॉप,
अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। चलिए जब ये ब्राउन हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स ये देखिए मैं अच्छे से बना रही हूँ। इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसको मिला लेंगे अब हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है बनके। बहुत ही अम्मी और बहुत टेस्टी। चलिए इसको सर्व करते हैं हम। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। देखिए थोड़ी गार्निश डाल देंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स नींबू डाल देते हैं। इसको अब सर्व करेंगे हम। बहुत यम्मी और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है।